हे गाइस, स्वागत है आप सबका स्वातुस रेसिपीज में। तो आज मैंने बनाया है आम का गुड़म्मा। इसे हम लोग साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने इंस्टेंट गुड़म्मा की रेसिपी डाली थी, बिल्कुल 5 से 6 मिनट में बनके रेडी हो जाती है। 10-15 दिन तक उसे भी स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन फ्रिज में। और ये तो बिना फ्रिज के 5-6 महीने भी ख़राब नहीं होती, और फ्रिज में तो इसे साल भर भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए गुड़म्मा, आम की लौंजी, चटनी या आम का चूंदा की रेसिपी हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी बोलो, जगह अलग है तो नाम अलग है, बट चीज़ तो एक ही है ना। सो यहाँ मैंने बड़े वाले आम ले लिए हैं। 1 kg वेट है इसकी। तो मैंने बताया ही था, आम या इस तरह की जो फ्रूट्स होती है, इसे पतले वाले पीलर से ही पील करना चाहिए। मोटे वाले पीलर से अगर हम पील करेंगे ना, तो बहुत सारी पल्प वेस्ट हो जाएगी। सो इस तरह से मैंने इसे पील कर लिया। अब क्या करूँगी ना, मैं इसे काट के थोड़ा चेक कर लूँगी, क्योंकि आम की वैरायटी बहुत ही ज़्यादा तरह की होती है। तो ये किस तरह की आम है, अभी इसके अंदर की गुठली हार्ड हुई है, सॉफ्ट ही है, एक बार चेक कर लेंगे तो हम इसे कद्दूकस करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर अंदर की गुठली सॉफ्ट होगी ना, तो हम इसे काटेंगे तो ये कट जाएगी, तो हम गुठली निकाल लेंगे। नहीं तो फिर कद्दूकस करने में, सॉफ्ट अगर गुठली रहेगी तो गुठली भी कद्दूकस हो जाएगी, तो फिर पूरे आम के गुड़म्मे का स्वाद कस्सा हो जाएगा, तीता हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। सो मैंने चेक किया तो गुठली तो हार्ड थी। इस तरह से मैं अब इसे कद्दूकस कर लूँगी। मोटा वाला इस तरह का कद्दूकस होना, तो उसी से करो आप, बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि जब तक चाशनी में भी पकेगी ना आम, तो कम्प्लीटली उसका पल्प गलेगा नहीं। जैसा हमें उसकी कंसिस्टेंसी और टेक्सचर चाहिए, बिल्कुल वैसी ही रहेगी। सो इस तरह से मैंने इसे कद्दूकस कर लिया। और हाँ, आप लोग अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, तो वीडियो देख के ऐसे ही मत चले जाना, सब्सक्राइब कर देना। कोई फीस, कोई चार्जेस नहीं लगते, बिल्कुल फ्री है। प्लीज़ यार, सब्सक्राइब कर दिया करो। तो रेसिपी आगे कंटिन्यू करती हूँ मैं, आप लोगों का मन होगा तो सब्सक्राइब कर ही देना। तो 1 kg आम के लिए मैंने यहाँ लिया है 250 ग्राम गुड़। अब बहुत लोग गुड़ और चीनी दोनों यूज़ करते हैं। आप लोग ये करो या सिर्फ चीनी का यूज़ करो, ये किस पे डिपेंड करता है ना, आम की खटास पे। आम कितनी ज़्यादा खट्टी, यहाँ जो मैंने लिया है आम, ये बहुत ज़्यादा खट्टी वाली कैरी है। तो इसमें मैंने 250 ग्राम सिर्फ गुड़ का ही यूज़ किया, क्योंकि ना गुड़ में अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। तो आम अगर बहुत ज़्यादा खट्टी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आम नॉर्मल वाला है तो आप सिर्फ चीनी का या गुड़ और चीनी दोनों यूज़ कर सकते हो। बट इस तरह का केस है, जब आम बहुत ज़्यादा खट्टी है, गुड़ से भी टेस्ट अच्छा आएगा, तो और एक्स्ट्रा चीज़ क्यों ही डालनी। जितना ज़्यादा हो सके चीज़ों को हेल्दी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बट हाँ, वैसा भी नहीं कि हेल्दी बनाने के चक्कर में उसकी और सारे इंग्रेडिएंट की फ़्लेवर ख़राब हो जाए, वैसा नहीं करना है। बट अगर ऐसे में ही टेस्टी बन जाए तो ठीक है। इसलिए सिंपल सी बात, ये आम बहुत ज़्यादा खट्टी थी तो मैंने गुड़ का यूज़ किया। अगर आम आप थोड़ा सा टेस्ट कर लेना उसको, अगर उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं, तो आप गुड़ और चीनी आधी आधी मात्रा में, मीन्स जितना भी आपको मिठास चाहिए उतना 50-50% गुड़ और चीनी ऐड कर दो, तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। अब इसमें मैंने गुठलियाँ भी डाल दी अभी ही, थोड़ा गुठलियाँ पक जाएंगी मसालों के साथ, तो हम इसे निकाल लेंगे। और अभी इसमें स्वाद अनुसार बस नमक डालेंगे, जितना भी नमक चाहिए उसका आधा जो रेगुलर सॉल्ट हम लोग खाते हैं, और आधा काला नमक, मीन्स आधा सफ़ेद वाला नमक और आधा काला नमक डाल के इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे। क्योंकि हमने गुड़ को पहले से ही पकाया था, तो जब आम इसमें डालेंगे तो फ्लेम को बस हाई करना है, उबाल आने लग जाए तो फ्लेम कर देंगे लो, आराम से हम लोग इसे पकने देंगे। क्योंकि साल भर स्टोर करना है ना, तो पकाने में कोई कंजूसी नहीं करनी। तब तक हम लोग जल्दी जल्दी से इसके मसाले रेडी कर लेते हैं। 1 बड़ा चम्मच हल्दी, जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, और आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा लिया मैंने गर्म मसाला, 1 बड़ा चम्मच जीरा, सौंफ, अजवाइन और 3-4 लाल मिर्च। लाल मिर्च ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, इससे तीखी हो जाएगी टेस्ट। आपको तीखा चाहिए तो डालो, वरना स्किप कर दो। सो इसे मैं थोड़ा क्रश कर लूँगी। इस तरह के मसाले जब हम लोग छौंका में यूज़ करते हैं, हल्का से उसे क्रश कर दें, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसके बाद एक तड़का पैन में 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल लिया मैंने। ये जब गर्म हो जाए ना बहुत ज़्यादा, तो इसमें छौंका डाल के गैस को ऑफ करेंगे, और बहुत ज़्यादा गर्म तेल नहीं, हल्का जब गर्म तेल रहे तो उसमें मसाले को डालना और तुरंत से मिला के आम के गुड़म्मे में डाल देनी है। बस डालने तक में ही मसाला गर्म तेल होगी ना बहुत ज़्यादा, मसाला उसमें पक जाएगा। आप लेट करोगे तो मसाले जल जाएंगे। और इस तरह के मेथड से देखना आप, बस बना के देखो, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आने वाला है। बस अब क्या, अब रेसिपी कम्प्लीटली रेडी हो गई। मसालों में गुठलियों को बस 1 मिनट तक पका के निकाल लेंगे। गुठलियाँ निकालने के बाद फ्लेम लो ही रहेगी ना, हल्का सा, बस 1 से 1.5 मिनट तक और आम को पकाना है।
बस फिर गैस ऑफ कर देनी है। ये सब सारा मेथड बहुत ही जल्दी 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 करने से क्या होगा ना कि बिना पानी के ही परफेक्ट टेक्सचर की जो ये आम की चटनी है ये बनके रेडी हो जाएगी। लेट अगर करेंगे तो गुड़ सूख जाएगी, फिर जब ये ठंडी होगी ना तो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा इसका टेक्सचर, जो कि हमें नहीं चाहिए। सो अभी आप देख सकते हो इसका टेक्सचर कैसा है। अभी मैंने गैस को ऑफ कर दिया है, अब हम इसे होने देंगे ठंडा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। देखो ये कितनी अच्छी बनी है, ये बिल्कुल लग रही है ना जैम के जैसी, कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है। ऐसी ही रेसिपीज़ मैं डालती रहती हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो अभी तक में मैंने क्या क्या डाली, सारी वीडियोस देखना। आपको कौन सी रेसिपी अच्छी लगे मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताना, और ये रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना।